रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिलीशियस फूड। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपी को बना के इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो आपके लिए आई है रेसिपी वो है एग फ्राइड राइस विद चिकन मंचूरियन। इसको हम व्यूअर्स इसको हम टू पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी चिकन की मैरिनेशन करेंगे, उसके बाद हम फ्राइड राइस बनाएंगे, ठीक है। मीन बाई उसके साथ ही हम चिकन मंचूरियन रेडी करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इसकी चिकन मंचूरियन की मैरिनेशन बताऊंगी, क्योंकि 2 घंटे की इसकी मैरिनेशन होती है, 2 से 3 घंटे। 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, बेहतर है आप 3 रखें। 3 घंटे की मैरिनेशन होगी। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन, बोनलेस चिकन है। आप घर में ला के तो बोन से अलहदा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे क्यूब कर लें, ये 1/2 kg बोनलेस चिकन है। उसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे चिली सॉस, 1 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच हम डालेंगे वाइट सिरका, सफ़ेद सिरका, वाइट विनीगर। ये हमारे पास सब्ज़ियाँ जो सॉस के लिए चाहिए। 1 शिमला मिर्च है, 1 टमाटर है, 1 प्याज है। ये क्यूब में हमने काट लिया, ये देखिए आप। ये मेरे पास सुरख मिर्च पिसी हुई है, ये भी 1 खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर। ये है केचप, कोई भी केचप आप ले सकते हैं, नेशनल की, शिमरीला की, किसी की भी। ये तकरीबन 1/2 से 1.25 कप है, ये मिलाना है। और उसके साथ ही हमने ये चिकन यखनी, ये जब हम चिकन लेके आएंगे ना, इसमें से जो हड्डी निकलेगी ना उसका हमने उसकी यखनी बना लेंगे, स्टॉक बना लेंगे। ये तकरीबन 1 ग्लास है। और ये 2 खाने का चम्मच चीनी है, ये भी हम इसके अंदर मिलाएंगे। चलें सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन के अंदर हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर, नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हम इसको साथ मिक्स करते जाएंगे। इसमें 1 चम्मच ये चाय का काली मिर्च डालेंगे, एक खाने का चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लिया और इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करके इस बाउल में हम निकालेंगे इसको। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको हम छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे, जिससे इसकी अच्छी सी मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। आए हम आपको अब फ्राइड राइस की रेसिपी बताते हैं हम किस तरह बनेंगे। जी नाज़रीन, हम अब अपने राइस जो है एग फ्राइड राइस वो स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ उसको किस तरह पकाना है। हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, नमक डाल के उसमें हम ये बॉईल आना शुरू हो गया, ये हम चावल डाल देंगे और इसको बॉईल करेंगे तकरीबन 1 कली रख के। ये मैंने चावल डाल दिए, ये भी इसको बॉयल आता है। उसके साथ ही हम तैयार करते हैं मंचूरियन की सॉस। ये मेरे पास है तकरीबन 1/2 प्याली है ऑयल, ये मैंने डाल दिया। इसके साथ ही मैंने ये लहसुन, 1 चम्मच लहसुन है, उसको छील के और बारीक बारीक मैंने काट लिए, ये मैं डाली। ये नाज़रीन, इसको मैंने हल्का सा सिर्फ सोते करना है, थोड़ा सा ये नरम हो जाए, तो हल्का सा लहसुन को नरम कर लेना है। और साथ ही जो मैंने मैरिनेट किया हुआ है चिकन, ये जो मैंने आपके सामने किया था, आपको बताया था, ये सारा मैंने इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरह से ना, ये सारा चिकन जो है ना मैंने इसके अंदर डाल देना है और इसको फ्राई करना है। ये इस तरह से इसमें फ्राई करते जाना है, हल्का हल्का स्लो आंच पे। ये बड़ा अच्छा सा पकेगा, फिर मैरिनेशन तो बड़ी अच्छी हो गई है। और अब इसकी हम सॉस बनाएंगे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी।
हाँ जी, ये देखिए ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे चिकन स्टॉक जो हमने रखा हुआ था, ये मैंने एक ग्लास रखा था, ये मैंने एक ग्लास ही डाल दिया है। और इसके साथ ही जो ये केचप मैंने रखी हुई थी ये भी मैं इसके साथ ही मिक्स कर दूंगी। और एक चम्मच भर के मैं ये सोया सॉस डालूंगी, फिर से एक चम्मच मैं चिली सॉस डालूंगी भर के, एक चम्मच मैं सफ़ेद सिरका डालूंगी। ठीक है, इसके साथ ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तकरीबन इतना सा नमक डालेंगे, आपने चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत हुई तो फिर डालें। साथ ही हम थोड़ी सी ये एक तकरीबन एक खाने का चम्मच भर के, ये पूरा एक चम्मच खाने का भर के मैंने सुरख मिर्च डाल दी है। और ये मेरे पास है चीनी, तकरीबन ये दो चम्मच है, ये भी मैं इस तरह डाल दूँगी। ठीक है, और अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है इसी सॉस में, ये थिक भी हो जाएगा और ये चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, चलें जी। हाँ जी, ये देखें हमारा चिकन बड़े अच्छे तरीके से कुक हो रहा है और देखें थिक हो गया, हमारी सॉस भी बड़े अच्छे से ये हो गई है। एक कप तकरीबन ये वाला जो हम फिर इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमारी सॉस काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। अभी इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स को भी डालना है, बस 10 मिनट इसको और कुक करेंगे। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये अच्छे से इसको बॉयल भी आ गया और चिकन भी हमारा गल गया है। अब इसमें ये हम सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ये डाल देंगे, ये सारी सब्जी डाल देंगे और इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए पकाना है ढाँक के। और इसमें एक चम्मच जो है ना इस तरह काली मिर्च डाल देनी है बस। ठीक है, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट ना तेज़ आंच पे इसको पकाना है। ठीक है, ये हो गया, अब हमारे चावल भी डन हो गए हैं, इसको हम इसका पानी भी स्टेन करेंगे उतार के। जी नाज़रीन, इसके लाए रखवानी रही कि हम चावल को वो इसका मसाला जो है वो रेडी करेंगे। ये तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया है और इसके बीच में हम डालेंगे उबला हुआ चिकन, मेरे पास था आधी प्याली, ये मैंने डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ये 3 अंडे मेरे पास हैं, इसी तरह 3 अंडे तोड़ के ये डालेंगे साथ में। ये फटाफट से बन जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसको हमने बस हल्का हल्का फ्राई करना है, ये चिकन को और अंडों को फ्राई करना है। और साथ ही मैंने ये काली मिर्च तकरीबन आधा चाय का चम्मच, ये मेरे पास चाइनीज़ नमक है ये लाजमी डालना है, ये डालना है। और एक चाय का चम्मच भर के ये मैंने काली मिर्च डाल दी है। ठीक है, इसको मिक्स करना है। अंडे भी हमारे पक रहे हैं और चिकन भी फ्राई हो रहा है, ये फटाफट से चाइनीज़ राइस है हमारे, एग फ्राइड राइस है, ये फटाफट से बन जाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक डालेंगे, तकरीबन एक चम्मच नमक, चाय का चम्मच। इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए अच्छे से ये हमारा चिकन भी और अंडे भी पक गए हैं, इसमें ये सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। एक कप तकरीबन एक बंद गोभी मीडियम साइज़ की वो डाल दी, एक गाजर है और एक शिमला मिर्च है, ये बस डाल के तो इसको फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, बस हल्की सी फ्राई करनी है क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादा पका हुआ उन्हें ये सब्ज़ी को अच्छा पसंद नहीं करते। ये मैं सोया सॉस डालूंगी, तकरीबन ये मैं 2 चमचे डालूंगी, ये मैं अंदाजे से 2 चमचे डाल दी हैं, आपने 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दिए। अगर आपने स्पाइसी रखना है थोड़ी सी काली मिर्च और डाल सकते हैं। ये बस तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई करना है। हाँ जी, ये देखिए सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, ना ज़्यादा गली हुई है ना सख्त है, बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे वैसे हैं। इसके अंदर हम ये चावल डालेंगे, ये देखिए नमक डाल के मैंने चावल को बॉयल कर लिया, ये मैंने सारे के सारे चावल इसमें डाल दिए।
इसको आराम से हमने मिक्स करना है, ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आपने कलर डालना है येलो तो आप कलर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी कलर, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलें जी, हमारे रेडी होंगे, इसको हम डाल देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ये देखें मंचूरियन भी बड़े अच्छे तरीके से पक गया है और तैयार हो गया है। बस इसको 5 मिनट इसको भी और रखेंगे और उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे कि ये हमारा चाइनीज़ बन गया है। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह से हमारे ये दम बड़ा अच्छा लग गया है, चावलों को खिले खिले चावल हैं माशाल्लाह से। ये देखें ये भी रेडी हो गया है और साथ में ये देखें ये भी डन हो गया है, हमारा मंचूरियन भी डन हो गया है। इस तरह हमने इतना इसको ठीक रखना है। चलें जी, इसको हम डिश आउट करते हैं फिर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हम डिश में निकालेंगे चावल, एग फ्राइड राइस, बड़े ज़बरदस्त से इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। इस तरह से हमने डिश में निकालने हैं, ये तकरीबन 3 से 4 पर्सन की सर्विंग है जो मैंने आज आपको बताई है। माशाल्लाह से इतने अच्छे ये बनते हैं, बच्चों के तो फेवरेट है ये चाइनीज राइस और मंचूरियन। आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियां ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैंने राइस डाल दिए, अब मैं ये मंचूरियन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े का चिकन बना है ना ये, जब आप बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कितना टेस्टी है ये, तो आपका वैसे ही दिल करेगा ये सॉस खाएं हम चम्मच के साथ। इस तरह से सारी ये सॉस और चिकन और वेजिटेबल्स को इस तरह से निकाल लेंगे। ये हॉट है, इसको हम रुमाल से पकड़ेंगे। ये देखिए ये सारी सॉस हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे। जी नाज़रीन, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये मील तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा। तो आपने ये ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको कैसा लगा कमेंट्स में, और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आएगी। आज की जो टिप है वो ये है कि दूध उबालते वक्त अगर आपका दूध, अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है कि गिर जाता है बाहर उबलते हुए, थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे ना बर्तन पर तो ऑयल मतलब दूध बाहर नहीं गिरेगा। तो ये माशाल्लाह से ये देखें ये हमारा खाना ये रेडी है। तो ये आप स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, तो माशाल्लाह से आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है, और डिलीवर भी आप लाहौर में मेरे से करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।